सबसे पहला है यंग्स मॉडुलस। इसके के तीन टाइप बताए मैंने, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के तीन टाइप होते हैं, यंग्स मॉडुलस, ठीक है, दूसरा बल्क मॉडुलस और तीसरा शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसके दो नाम। तो यंग्स मॉडुलस सबसे पहले, इसकी डेफिनेशन होती है द रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, या टेंसाइल स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टू दी टेंसाइल स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस को वाई से डिनोट करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस को सिग्मा एल से डिनोट करते हैं और स्ट्रेन को एप्सिलॉन एल से करेंगे। एल मतलब लेंथ, टेंसाइल का दूसरा नाम लॉन्गिट्यूडनल भी है, तो ये डेफिनेशन बन सकती है द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल वाला क्या था, फोर्स ओवर एरिया, इसकी जगह डाल रहा हूँ सिग्मा की जगह, फोर्स ओवर एरिया, और स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल वाला था डेल एल ओवर एल, तो एल ऊपर चला जाएगा और ए जो है वो डेल एल के साथ आ जाएगा। तो ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला जनरेट हो गया हमारे पास, फोर्स इंटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया। एरिया कौन सा, जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है। जनरली मैं आपको बताऊं, सपोज करो एक वायर जो है एक स्टैंड से लटकी हुई है, तो वायर को हम हमेशा क्या मानते हैं, सिलेंड्रिकल, और एरिया किस पे लग रहा है, इस बेस पे लग रहा है, और ये बेस कौन सा एरिया है, कैसा एरिया है, शेप क्या है इसकी, सर्कुलर, तो इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो एरिया में क्या लूंगा, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज डेल एल, एल ओरिजिनल लेंथ है इस वायर की, व्हाट इज डेल एल, जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये खींचेगा ना नीचे, यहां पहुंच गया सपोज करो ये, इस डायरेक्शन, तो ओरिजिनल यहां पे था, ये फाइनल इसका, ये डेल एल है, कितना लेंथ चेंज हुआ है, एरिया क्या होएगा, पाई आर स्क्वेयर। इस वायर का यंग्स मॉडुलस आ जाएगा, एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस। तो हमारे पास एक वायर है ए और एक वायर है बी, रेफरेंस वायर ए, एक ए वायर जो है और जो टेस्ट वायर है दूसरी वाली जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो रेफरेंस वायर ए का मतलब है ये फिक्स्ड लेंथ रहेगी, इस पे मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, वेट कहाँ डाल रहा हूँ, मैं लटका रहा हूँ वायर बी के साथ, तो वायर ए इज कॉल्ड द रेफरेंस वायर एंड वायर बी इज कॉल्ड द टेस्ट वायर। इन द हुक अटैच्ड टू द वायर ए सम फिक्स्ड मास इज सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ ए। इस रेफरेंस वायर में थोड़ा सा लास्ट में एक वेट लटकाया जाता है, इसलिए ताकि ये वायर बिल्कुल क्या रहे, वो रहे ढीली ना हो, मतलब ठीक है टाइट रहे वायर, क्योंकि अगर नीचे से कुछ वेट नहीं होगा तो ये टाइट नहीं रहेगी। डिफरेंट मास एम आर सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ द वायर बी इन करस्पॉन्डिंग द रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स एम जी, टेंसाइल फोर्स क्या होता है एम जी, इंक्रीज इन लेंथ इज मेजर्ड यूजिंग द वर्नियर स्केल अटैच टू द रेफरेंस वायर। अब यहां पे देखो एक स्केल बना हुआ है, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे वेट बढ़ाते जाएंगे, सपोज करो पहले मैंने 1 ग्राम डाला छोटा सा, तो ये वायर झुकेगी, ये वायर झुकेगी, तो यहाँ रीडिंग नोट कर लेंगे कितना झुक गई ओरिजिनल पोजीशन से, वो रीडिंग क्या होगी मेरी डेल्टा एल। फिर दो 2 kg 2 ग्राम डाला, ये वायर और झुकेगी, तो ये वायर और नीचे आ जाएगी, फिर से मैं रीडिंग नोट कर लूंगा, तो
तो सेम ऐसे करते करते हम इस एक्सपेरिमेंट को तब तक करते जाएं जब तक कि इलास्टिसिटी इस पे कॉन्टिन्यूसली ये वायर जो है वो इलास्टिक लिमिट में है। जब जब मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस के साथ साथ स्ट्रेन बढ़ रहा हो तब तक हम इस एक्सपेरिमेंट को करते रहें। स्ट्रेस क्या चीज है? एम जी ओवर ए पाई आर स्क्वायर। और स्ट्रेन क्या चीज है? डेल एल ओवर एल। इसको हम हर एक्सपेरिमेंट के बाद चेक करते रहेंगे। अगर ये रेशो इक्वल है तो वायर अभी अपनी इलास्टिसिटी के ही अंडर है, उसकी इलास्टिसिटी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसी के लिए है ये यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेस एम जी ओवर पाई स्क्वायर हो गया और स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एल ओवर एल। एल क्या चीज है? जो ओरिजिनल लेंथ थी जो इस रेफरेंस वायर की थी, दोनों को पहले सेम लेवल पे रखा गया। वायर का एरिया मैंने तुम्हें बताया, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एल ओवर एल। और एरिया मैंने आपको बताया, सर्कुलर एरिया लेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला होता है स्ट्रेन डिवाइड बाय स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल एल ओवर एल। फोर्स वो होता है जिसमें, फोर्स क्या होता है? mg, जो आप वेट रख रहे हो वो ही तो फोर्स है। कितने एरिया पे लगा रहे हो? पाई आर स्क्वायर। नीचे डेल एल और जो सबसे नीचे वाला एल है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का जनरेट हो गया। इन मोस्ट ऑफ द सबस्टांस यंग्स मॉडुलस इज फाउंड टू बी सेम वैल्यू फॉर टेंसाइल स्ट्रेस एंड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस, बट फॉर बोन्स और कंक्रीट इट इज नॉट सो। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल का मतलब होता है लेंथ बढ़ना, कंप्रेसिव का मतलब होता है लेंथ का घटना। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी मटेरियल्स में सेम है इन दोनों को छोड़ के, बोन्स और कंक्रीट।